am very yeah. She's very cha cha cha. तो गाइस फिर से ना 2 से 3 घंटे लगे पूरी साफ सफाई करने में। चीकू के पापा का जो रूम है ये तो पूरा सेट है, पर जो हमारा वार्डरोब वाला रूम है ना उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, चीकू के कपड़े जो ऐड हुए थे ना वो प्रॉपर तरीके से ऐड कर दिए। तो दिखा देती हूँ मैं आपको अच्छे से। तो यहाँ पर और यहाँ पर सब जगह लगा दिए चीकू के कपड़े। तो यहाँ पे सारे हमारे ब्रांडेड पर्स है जो हमने, और ये बच्चों के बैग्स हैं जो हम पैकिंग करने के टाइम पे काम आते हैं। यहाँ पे नीचे भी बैग्स हैं, यहाँ पे हमारे और बैग्स हैं, यहाँ पे हमारे और बैग्स हैं, यहाँ पे चीकू के एक्स्ट्रा कपड़े जिनके लिए अभी हमारे पास हैंगर नहीं बचे लगाने के लिए। और इस साइड लगाए हमने परफ्यूम्स और दिखा देती हूँ। ये सारे परफ्यूम्स लगाए हैं अभी इतने ही हमारे पास। और इधर चीकू के पापा का वो स्टेयरिंग वाला, अच्छा ये नीचे। और ये सारे हमारे गॉगल्स हैं। और यहाँ पे कुछ कपड़े चीकू के आ गए हैं, अभी कुछ कपड़ों के लिए हैंगर लाने बाकी है। तो यहाँ पे ना गाइस सारे मैंने ना चप्पल लगा दिए, जो नई चप्पल है ना वो सारी डब्बे में डाल के यहीं लगा दी है। और ये पूरा वार्डरोब बन गया है चीकू के पापा का, चीकू का और हमारा मिक्स वार्डरोब। गाइस यहाँ पे ना बहुत सारी जगह खाली है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि काम करते हैं अभी नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। किसी दिन फ्री होंगे ना जैसे दिवाली आने वाली, साफ सफाई करेंगे तो उस टाइम पे ना हमारी जितनी भी हील्स है ना हम ऊपर लगा देंगे, क्योंकि क्या सामने सामने दिखती है ना तो बंदा वियर भी कर लेगा। तो ये एरिया जो है ये हमने लगेज के लिए पूरा इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि ना कभी सारे इधर उधर पड़े रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये सारा निकाल लिया। यहाँ पे बच्चों के स्ट्रॉलर पड़े हुए थे झूले में, वो यहाँ लगा दिया है। और जो यहाँ पे झूला था पिंक कलर का वो अभी हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमने सोचा हमने बाहर रख दिया, जिसको भी जरूरत होगी वो ले जाए। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वार्डरोब कैसा लगा।